विश्व हिंदू महासंघ के जनपद इकाई द्वारा स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर विश्मिल पार्क स्थित अमर शहीद राम प्रसाद विश्मिल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और देश के विकास और समृद्धि के लिए एकजुट होकर प्रयास करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर महासंघ के जिला अध्यक्ष इंजीनियर मातेश्वरी प्रसाद विश्वकर्मा, जय प्रकाश मिश्र, अनिल मिश्रा, रविशंकर विश्वकर्मा, हरिशंकर विश्वकर्मा, डॉक्टर शिव चंद्र गौड़, अजय कुमार दुबे, उमेश शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अधिवक्ता प्रकोष्ठ के मंडल प्रभारी विजय बहादुर सिंह ने कहा, विजय बहादुर सिंह, अधिवक्ता प्रकोष्ठ, मंडल प्रभारी, गोरखपुर। आज 75वें स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय त्यौहार के अवसर पर विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश की जनपद गोरखपुर की इकाई द्वारा तथा अधिवक्ता प्रकोष्ठ जनपद गोरखपुर के द्वारा शहीद राम प्रसाद विश्मिल की जो फांसी का स्थल जेल पर है उनको माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया तथा उनके नमन किया गया। उसके अलावा पंडित राम प्रसाद विश्मिल पार्क गोलघर गोरखपुर में स्थित उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर यहाँ संबोधन किया गया। उनके जीवन परिचय के बारे में सबको अवगत कराते हुए उनको नमन किया गया और माल्यार्पण किया गया। उनके साथ साथ स्वतंत्रता दिलाने में जितने भी वीर सबू शहीदों का बलिदान हुआ है उनको नमन करते हुए स्मरण करते हुए सभी देश के नागरिकों को, देशवासियों को, अब उत्तर प्रदेश और गोरखपुर शहरवासियों को ये याद दिलाया गया कि वीरों को स्मरण करते हुए देश के प्रति, राष्ट्र प्रेम के प्रति अपनी जिज्ञासा बनाए रखें और देश को सुरक्षित रखें।